अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं असद उल्फकार। अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन सेक्शन थ्री को। सेक्शन थ्री आता है आपको चैप्टर नंबर सेवन, पूरा चैप्टर नंबर सेवन से आता है। ए पार्ट भी सेवन से, बी पार्ट भी सेवन से, इसका भी ए पार्ट सेवन से और बी पार्ट भी सेवन से। तो देखते हैं सेवन चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहले हमने पहली वीडियो में सेक्शन वन डिस्कस किया, दूसरी में ये किया और तीसरी में अब ये कर रहे हैं। चैप्टर सेवन में सबसे पहले है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में से एक क्वेश्चन आपको लाजमी पेपर में आता है, एग्जाम्पल नंबर फोर, एग्जाम्पल नंबर फाइव, पेज नंबर 279 पे, एग्जाम्पल नंबर सिक्स, एग्जाम्पल नंबर सेवन, इसमें भी आपने आइसोटोप निकालने हैं। 7.1 करें बात तो 7.11 से लेकर ये देखें 12 तक जो क्वेश्चन है इसमें आपने सिर्फ आइसोटोप निकालने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैक्सिमा मिनिमा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 13 पेज नंबर 291 पे, इसमें आपने रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, ये आपने करना है। एक्सरसाइज 7.2 में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 11, इसके अलावा आपने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12, 13, 14, 16, 18, 19, ये सारे पास्ट में रिपीट हो चुके हैं, इनको आपने छोड़ना नहीं है, ध्यान से कर लेना है। इनमें से ही क्वेश्चन लाजमी आपको पेपर में आएगा सेक्शन थ्री में। सेक्शन थ्री में आपको बता दूं कि दो आते हैं, एक करना होता है, तो ये बहुत आसान सा जो है वो सेक्शन होता है। 7.3 की बात करें तो सिंगुलर पॉइंट निकाल लें, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, इसके अलावा 12 क्वेश्चन कर लें आप, बस ये इसमें इंपॉर्टेंट है। 7.4 की बात करें तो उसमें हमने स्केच करना होता है, ग्राफ बनाना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 9, 14 पास्ट में आ चुके हैं, लेकिन आप इसमें से और भी कर सकते हैं, स्केचिंग करनी है, ग्राफ बनाने हैं। आगे बात करें 7.5 की तो इसमें जो एरिया वाले हैं क्वेश्चन, एरिया वाले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 है, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.5 के अंदर। आगे हम बात करें इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ कर्व, इनमें से एक क्वेश्चन आपको लाजमी पेपर में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इस एग्जांपल नंबर 43 है, इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है 327 पेज पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 7.6 की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, 1, 4, 5, 6 क्वेश्चन, 10 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 और 20, ये सारे हैं इंट्रिंसिक वाले, इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है आपने, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7.7 की बात करें तो इसमें आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होता है, ये भी पास्ट में रिपीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 17 है, 18 है, 19 है और 20 है, ये सारे ही क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें 7.8 की तो इसमें जो है वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑसिलेटिंग सर्कुलर टू द हाइपरबोला, ये भी इंपॉर्टेंट 2017 में आ चुका है, इसमें से एक ही क्वेश्चन आया है तो उसमें से ज़्यादा ना करें आप। 7.9 जो है या इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन थ्री जिसमें हमने डिस्कस किया जो है वो चैप्टर सेवन को सेक्शन थ्री में, किसमें से कौन कौन से चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें से दो आते हैं, करना होता है, तो आप ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह इससे ही आपका ये सेक्शन क्लियर हो जाएगा। अब अगली वीडियो हम डिस्कस करते हैं सेक्शन फोर को, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी अगली वीडियो, उसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फोर को। थैंक यू।